नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे होंगे, अभी आपने लाइव में देखा होगा, लाइव सेशन चल रहा था करंट अफेयर्स का, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कुछ समस्या हुई, जिसके चलते इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन प्रयास किया करें कि जो आपका समय है लाइव का 8:30, उस पर आप उपस्थित रहा करें, ठीक है। तो नेटवर्क क्योंकि वाईफाई किसी कारणवश जो है चल नहीं रहा है, लगातार प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से समस्या हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम देख लेते हैं चीज़ों को। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं, हाल ही में 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपको बता दें, इसका सही उत्तर है नागालैंड, ठीक है। तो जो लोग लाइव सेशन में थे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, क्योंकि आपकी वीडियो चल नहीं रही थी इस वजह से, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, नागालैंड में हुआ। अब नागालैंड में होगा तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नेफी रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखना है, प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी याद रखना है कि हार्नबिल जो है ये नागालैंड का त्यौहार है। जब बात आपसे पूछ लिया जाए पक्के पागा हार्नबिल, तो आपको याद रखना है पक्के पागा हार्नबिल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। और आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, उसके आसपास के क्षेत्रों में हार्नबिल को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति अपनी भूमिका निभा रही है, उसका नाम है न्यासी जनजाति। तो ये आपको याद रखना है, न्यासी जनजाति जो कि हार्नबिल के संरक्षण में लगातार कार्य कर रही है। आपको बता दें, जब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो आपको एक पुलिस स्टेशन याद आना चाहिए, जिसका नाम है खरसांग पुलिस स्टेशन। क्यों याद आना चाहिए, इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि खरसांग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन है, और पूरे भारत में इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की जो सूची आई थी उसमें दूसरे स्थान पर रखा गया था। पहले स्थान पर मणिपुर का पुलिस स्टेशन था, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पे बोला जा रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। चार विकल्प आपके पास हैं, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको अपना जवाब देना है, तो आप बताएं इनमें से कौन सा सही जवाब है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। चले जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही जवाब है। चलें आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब। पंजाब में अभी हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, तो यहाँ के सबसे पहली बात राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये आपको पता होना चाहिए, ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है गौ संरक्षण की, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने गौ कैबिनेट स्थापित किया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर गौ अभ्यारण्य बना है, गाय के लिए अभ्यारण्य बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको याद रखना है असम का डिब्रूगढ़ क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल कहाँ खोला गया है, डिब्रूगढ़ में खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक शब्द आप सुनते होंगे, डुगोंग, ये डुगोंग क्या है, डुगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय,
ठीक है, समुद्री गाय, और डुगोंग या समुद्री गाय को भारत में पहली बार संरक्षण किया जा रहा है, और इसके लिए जो संरक्षण आप कह सकते हैं रिजर्व बनाया गया है, ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार डुगोंग या समुद्री गाय को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके लिए जो संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पंजाब में कई सारी आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं पंजाब में, जैसे हरिके, कंजली, रोपड़, ये पहले आर्द्र भूमि थी, बाद में तीन और आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई पंजाब में, जिनमें केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, दूसरा ब्यास संरक्षण रिजर्व और तीसरा नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टोटल आज की तिथि में पंजाब में 6 आर्द्र भूमियाँ हैं और यह दूसरे स्थान पर राज जाता है आर्द्र भूमियों की संख्या में। अब इनमें एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है ब्यास संरक्षण रिजर्व। ब्यास संरक्षण रिजर्व, इससे आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए कि ब्यास संरक्षण रिजर्व में जो ब्यास शब्द है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ब्यास नदी बहती है और उस ब्यास नदी में एक डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी डॉल्फिन, और इस सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य सरकार ने अपना जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, हाल ही में किस देश के नोवाखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। नोवाखली कहां पर पड़ता है, किस देश में पड़ता है जहां पे गांधी संग्रहालय बन रहा है, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में बन रहा है। अब बांग्लादेश में बन रहा है तो बांग्लादेश आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और आप जानते होंगे कि शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग। यदि याद है तो अच्छी बात है, साथ साथ बोलते रहें, नहीं याद है तो बोलने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। शेख हसीना के पिताजी थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, और आपको बता दें शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, और इनके नाम पर यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार शुरू किया था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे चटगांव और मोंगला दो इनके प्रमुख पोर्ट हैं, और चटगांव से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि चटगांव शस्त्रागार में एक लूट भी हुई थी, और चटगांव शस्त्रागार में जो लूट हुई थी वहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी थे सूर्यसेन, सूर्यसेन के नेतृत्व में यह लूट हुई थी। यदि बात करें कब हुई थी तो 18 अप्रैल 1930 को यह लूट हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ का एक बच्चा है जिसका नाम है सदत रहमान, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। चले, हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, आपको बताना है। चले बताएं किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है, और इस तरह के प्रश्न अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, पूछे जाने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो बताएं किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। चले, इसमें आप देखोगे तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज है जिसको जीआई टैग मिला है। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो आप जानते हो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यह भी पता होना भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एक जेवलिन खिलाड़ी इस समय काफ़ी चर्चा में हैं और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो हैं, नीरज चोपड़ा के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने पुणे स्टेडियम का नाम रख दिया है।
पुणे स्टेडियम का नाम अब नीरज चोपड़ा के नाम पर है। अब ये पुणे शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि कोविड के समय में एक कंपनी थी जिसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट जो थी ये पुणे बेस्ड कंपनी थी, इसके प्रमुख थे अदार पूनावाला, और इसने भारत में वैक्सीन बनाई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को इसने भारत में निर्मित किया था और इस वैक्सीन का नाम था कोविशील्ड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोविशील्ड को किसने बनाया भारत में? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया, जिसके प्रमुख हैं अदार पूनावाला। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे नागजीरा, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आपको याद आना चाहिए भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला आपको याद आना चाहिए तडोबा अंधारी, तडोबा अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगला याद आना चाहिए कलशुबाई, कलशुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपको पता होना चाहिए। नागजीरा, कोयना, भीमा शंकर, ताडोबा अंधारी, कलसुबाई और कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं, बोला जा रहा है कि मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो लिक्विड प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो बताना है इसमें आपको, बता दें यह प्रस्तुत किया है इफ़को ने। किसने प्रस्तुत किया है? इफ़को ने। और इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे यूरिया जो है वो नैनो लिक्विड फॉर्म में है। इससे क्या होता है कि जब हम कृषि के कार्य में जहाँ पर यूरिया प्रयोग करते हैं वहाँ पर यूरिया की जो लागत आती है वो 50% कम हो जाती है। मतलब जहाँ पर पहले जिस कृषि भूमि में पहले एक क्विंटल की मान लीजिए यूरिया की ज़रूरत पड़ती थी, लिक्विड फॉर्म में होने के कारण सिर्फ 50% मतलब 50 किलो में ही वो काम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे किसानों को मदद मिलेगी। साथ ही साथ इससे क्या होता है कि नैनो लिक्विड जो होते हैं ये फसलों को और ही सशक्त और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू किया था इफ़को ने। इसको बताएं, हाल ही में कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इनमें से कौन सी कंपनी है? और आपको बता दें ये जो कंपनी है इसके 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी आप कह सकते हैं कुल पूंजी हो चुकी है और विश्व की सबसे बड़ी दो पहिया कंपनी बन चुकी है और इसका नाम है बजाज ऑटो। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, बजाज ऑटो। और आपको यह भी पता होगा जमन लाल बजाज ने बजाज ऑटो की स्थापना किया था, तो इसको भी पता होना चाहिए। जमन लाल बजाज का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-2021 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर कीर्तिमान बनाया है? मतलब जो वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ है उसमें पूछा जा रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है, आपको बताना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक यदि हम देखें तो इसमें प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है। ये 37 किलोमीटर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले में अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आपको कल मैंने बताया था कि एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति।
और मित्र शक्ति शयन अभ्यास की बात यहाँ पर हो रही है। इसका सही जवाब है मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति शयन अभ्यास हम करते हैं श्रीलंका के साथ, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। आप जानते हैं श्रीलंका के साथ एक नौसैनिक अभ्यास भी होता है जिसका नाम है सिलिनेक्स। तो याद रखिएगा, श्रीलंका के साथ दो सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण है, पहला है सिलिनेक्स और दूसरा मित्र शक्ति, दोनों आपको याद रखने हैं। इसको बताएं, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? कितने जिले हैं जिनको 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है, आपको बताना है। चलें बताएं, आपको बता दें कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो आपको पता होगा पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें यहाँ पे पड़ता है नामदफा टाइगर रिजर्व। क्या है? नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत में कुल जो टाइगर रिजर्व हैं वो 53 संख्या होने वाली है, और 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इससे पहले 52वां कौन सा बना था? 52वां बना था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये राजस्थान से संबंधित था, राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बना था। तो वर्तमान समय में भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए किस राज्य ने यह कदम उठाया है, आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने यह करके दिखाया है। आप जानते हो पर्यटन के लिए सिक्किम मशहूर है, बहुत सारे टूरिस्ट गर्मियों में सर्दियों में यहाँ पे जाते हैं, और प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पे बड़े पैमाने पर यूज की जाती थी, तो प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सबसे पहले इन्होंने बोतल बंद पानी पर बैन लगा दिया है। तो सिक्किम आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर सिक्किम सही उत्तर है तो सिक्किम के बारे में भी कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कम नाम सुनते हैं हम सिक्किम के बारे में, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, आपको बता दें पी एस तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। पी एस तमांग मुख्यमंत्री, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी पिछले दिनों इन्होंने कैटली नामक एक मछली होती है जिसको ये बोलते हैं कपूर महासीर, ठीक है। तो कपूर महासीर या कैंटली, इसको इन्होंने अपनी राजकीय मछली घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजकीय मछली घोषित किया है कैटली या कपूर महासीर को। इसके साथ साथ आपको बता दें इनका राज पशु जो है वो है लाल पांडा, तो लाल पांडा इनका राजकीय पशु है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो लोक नृत्य होते हैं उनमें सांग, घूमर और खोरी नृत्य प्रसिद्ध हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बता दें कि सिक्किम की जो सीमा लगती है चीन के साथ भी लगती है, तिब्बत के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। तो आप कह सकते हो 4 देशों के साथ सीमा लगती है सिक्किम की, यह भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम में आपको बता दें पहली बार किसी फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम बन रहा है। पूरे भारत में कहीं पर भी पहली बार किसी फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम बन रहा है तो वह सिक्किम में बन रहा है। और किसके नाम पर बन रहा है? ये बन रहा है बाइचुंग भूटिया, जो कि भारत के
पहले फुटबॉल टीम के कप्तान हुआ करते थे, बाईचुंग भूटिया के नाम पर ये बन रहा है, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जेलेपला और नाथुला यहाँ पे जो दो प्रमुख दर्रे भी देखने को मिलते हैं। चलें इसको बताएं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडाकोलम, यहाँ पे चावल की एक बात हो रही है जिसका नाम है वाडाकोलम, ठीक है, एक विशेष प्रकार का चावल है जिसको बोलते हैं वाडाकोलम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वाडाकोलम को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, मतलब ये जो चावल है वाडाकोलम जिसको GI टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। तो आपको बता दें वाडाकोलम जो चावल है ये संबंधित है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का पालघर का जो क्षेत्र है वहाँ से ये संबंधित है। इसको बोलते हैं जिनी, इसी चावल को जिनी भी बोलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वाडाकोलम महाराष्ट्र से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है। अब चावल की बात हो रही है तो कुछ चावल के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे चिन्नौर चावल ये आपको पता होना चाहिए। चिन्नौर चावल की बात यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो सोजत मेहंदी, जिनको इस समय GI टैग दिया गया है उनके नाम आपको पता होना चाहिए, सोजत मेहंदी। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए जुडिमा राइस वाइन। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए काला चावल, कई बार पूछा जाता है काला चावल। के बाद आपको पता होना चाहिए कतरनी चावल, ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको बता दें चिन्नौर चावल जो है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट से संबंधित है, ठीक है। सोजत मेहंदी राजस्थान से संबंधित है। जुडिमा राइस वाइन जो है ये असम से संबंधित है, और यह चावल से बनाई जाने वाली एक वाइन है जिसको लोग घरों में तैयार करते हैं। काला चावल जो है ये मणिपुर का है, और कतरनी चावल बिहार का है, ये आपको पता होना चाहिए जिनको GI टैग मिला है। तो इतने जो नाम दिए गए जैसे चिन्नौर चावल, काला चावल, कतरनी चावल, इनको GI टैग मिल चुका है। जुडिमा राइस वाइन जो कि असम से संबंधित है GI टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है। तो इसको एक ही जगह पर आप नोट कर लीजिएगा। चलें इसको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनमें से किसको बनाया है आपको बताना है। और आपको बता दें आज एक जिला एक उत्पाद से संबंधित एक वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो उसको भी आपको अनिवार्य रूप से देखना है, विशेषकर जो लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो बताएं किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कंगना रनौत, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, यहाँ पे डी विकल्प में लिखा है 12, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो बता दें। हाल ही में दो और भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और अब भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त समुद्र तट कितने हैं ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो दो और तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आपसे पूछा रहा है कि अब टोटल कितने जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीच भारत में हैं, तो आपको बता दें अब कुल 10 हो गए हैं, पहले 8 थे, दो अब हो गए हैं, तो कुल 10 हो गए हैं। आपको बता दें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट चुनने के लिए कुल 33 मापदंड होते हैं, इन 33 मापदंडों पर जो है आप कह सकते हैं कि इनकी जांच की जाती है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में हमें कम से कम 100 समुद्री बीचों को इस प्रकार से विकसित करना है जिससे उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल सके। आपको बता दें सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाला समुद्री बीज, सबसे ज़्यादा समुद्री बीज कहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेन के सबसे ज़्यादा समुद्री बीज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। अभी यदि हम हाल में बात करें कि किनको दिया गया है, तो एक तो है कोवलम, दूसरा है इडेन,
ठीक है। तो दो समुद्री बीच याद रखना है, पहला कोवलम तमिलनाडु में है, दूसरा ईडेन पांडुचेरी में है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेन की बात आती है तो आपको यह भी याद आना चाहिए, स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को में संबंध क्या है ये आप आज हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का होमवर्क है कि स्पेन की जब मैं बात करता हूँ तो मोरक्को की भी बात करता हूँ तो दोनों में क्या संबंध है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो कोलम और ईडेन दोनों आपको याद रखना है। टोटल समुद्री बीचों की संख्या भारत में 10 हो गई है, इसको बताएं। हाल ही में क्रम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है आपको बताना है। चले, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है आपको बताना है। आपको बता दें यह ज्वालामुखी स्पेन में स्थित है और इसमें 1971 के बाद 2021 में फिर से जाकर विस्फोट हुआ है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। चले, यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा त्रुटिपूर्ण था, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने और 300 विकेट लेने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, बताएं कौन सा खिलाड़ी है जिसने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं T20 में और 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो ये खिलाड़ी हैं किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था असम की जुडिमा वाइन राइस को, अब उसी से संदर्भित प्रश्न देखने को मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है असम की जुडिमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, इस वाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है असम की जुडिमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। जी हाँ, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा, यह वाइन भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की दूसरी पारंपरिक शराब बन गई है। अब यह सही है कि नहीं आपको बताना है, तो आपको बता दें कि ये जो दूसरा विकल्प है ये विकल्प आपका गलत है, ठीक है, यह विकल्प आपका गलत है, क्योंकि इससे पहले भी पूर्वोत्तर भारत की कई वाइन हैं, देसी शराब हैं, जिनको आप कह सकते हो कि GI टैग मिला है, अभी उनकी हम बात करेंगे। अब इससे संबंधित एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जुडिमा असम की डिमासा जनजाति, ये जनजाति महत्वपूर्ण है, डिमासा जनजाति, क्योंकि इसी जनजाति द्वारा घरेलू स्तर पर इसका आप कह सकते हैं उत्पादन किया जाता है, तो जुडिमा वाइन से संबंधित है डिमासा जनजाति, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि डिमासा जनजाति है जिसके द्वारा जुडिमा वाइन बनाई जाती है और इनके द्वारा बनाई गई वाइन को GI टैग मिला है। अगला कह रहा है जुडिमा चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस से निर्मित किया जाता है। जी हाँ, जुडिमा जो है चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस, जिसको बोरा नामक चिपचिपा चावल बोलते हैं, उससे निर्मित की जाती है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किससे बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है बोरा राइस से यह वाइन बनाई जाती है। तो इसका सही विकल्प तीनों हैं, गलत क्या था, बी वाला गलत था, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की यदि हम बात करें तो मणिपुर में इससे पहले भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, ठीक है, मणिपुर की एक अन्य शराब है वो प्राप्त हुआ है, और मणिपुर से संबंधित कुछ अन्य हैं GI टैग जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हथेई मिर्च है मणिपुर की, जिसको GI टैग मिल चुका है। इसके साथ यहाँ पे है तामेंग लोंग, ये क्या है, ये है संतरा, तामेंग लोंग संतरा है। काजी नेमू है असम का, तामेंग लोंग है मणिपुर का। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए चोकुआ चावल असम का है, जिसको GI टैग मिला है। तो GI टैग्स इस समय काफ़ी मिल रहे हैं और आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न,
हाल ही में एक चंद्र क्रेटर का नाम मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा गया है, जो कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, मैथ्यू हसन के नाम पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है, और आपको बता दें ये चंद्र क्रेटर जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला और लास्ट प्रश्न, अगस्त 2021 में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? आप जानते हो लगातार रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि जल की मारामारी होगी, जल की जो कमी होगी वो भारत में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये जो शहर है अपने आप में यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर की संज्ञा किसे दी गई है, तो भारत का पहला वाटर प्लस जो शहर है वो है इंदौर। इंदौर आप जानते हो सबसे स्वच्छ शहर भी है, लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर बना हुआ है, तो इंदौर इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी यहीं पर समाप्त होती है। दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक आपका है आज़ाद MPPSC का, एक आज़ाद UKPSC का, दोनों पर मैं प्रतिदिन जो PDF होती है प्रश्नों की वो मैं शेयर करता हूँ, तो PDF वहाँ से जाकर ले सकते हैं, और आंसर आप हमारे साथ टिक करते हैं तो वहाँ से आप आंसर टिक करके PDF को सेव भी रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि राज्यवार नोट्स बनाए तो बेहतर होगा, और प्रयास करिए कि नोट्स राज्यवार ही तैयार किए जाएँ, ठीक है। चलिए, तो कल सुबह 8:30 बजे उपस्थित रहिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कल भी नेट बाधित रहे, तो नेट अच्छा रहेगा तो कल हम सेशन लेंगे 8:30 बजे, क्योंकि लाइव रहते हो तो आप सबकी कुछ चिंताएं होती हैं उस पर भी विचार किया जाता है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, धन्यवाद, आभार।